मुझे हर पॉइंट पे डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं नीचे मैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से इधर जाता हूं मैं एक बार। और किसी भी पल इस छत का कोई भी अंश टूटकर नीचे गिर सकता है, जो हमारी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को हर बार की तरह एक ऐसे नए स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसको शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट झज्जर में और यहां पर गांव का नाम है दुजाना, जहां हमें मिली है नवाबों के समय की एक ऐसी कोठी, एक ऐसी हवेली जिसको देखने के बाद में आप सीधे तौर पर उसी लम्हे में पहुंच जाएंगे जिन लम्हों में नवाब और उनकी रानियां बेगमें रहा करती थी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दुजाना के नवाब की रानी के महल का पूरा दृश्य दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएंगे जहां पर हमें झाड़फूस और उसी के साथ में टूट फूट के कुछ हिस्से दिखाई देने वाले हैं। लेकिन ये हिस्से आज के समय में देखरेख ना होने की वजह से ऐसे हाल में पहुंच चुके हैं। अभी हम इस तरफ से अंदर जाएंगे और वहां से इन चीजों का बारीकी के साथ में टेक आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। हम इस रानी के महल के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं और जिस स्थान पर मैं भी खड़ा हूँ, ये उस समय का प्रमुख प्रांगण हुआ करता था। लेकिन आज इसका जो पूरे का पूरा हिस्सा है, ये ज़्यादातर इन झाड़ियों के बीच में दब चुका है, अपनी उस पहचान को खो चुका है। सामने जब आप अपनी नज़रों को गड़ाएंगे और देखेंगे तो जो आप लोगों को मेहराबदार पतले ईंटों का एक नक्शा दिखाई देगा, ये उस समय का एक हवा महल सा महसूस होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ गेट ही गेट दिखाई देंगे। तो एक बार हम इस पॉइंट को भी देखते हैं। इस मेहराबदार कक्ष के अंदर चारों दिशाओं से खुला हुआ ये कमरा, जिसका डिजाइन, जिसकी छत का नजारा, आप बस ये देखिए कि ईंटों की और इस चूना प्लास्टर की कैसी सिमेट्री यहां बनाई गई है। सामने का हिस्सा आज के समय में कूड़े करकट में तब्दील हो चुका है और जब हम इधर की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो रूम है, ये भी चारों दिशाओं से ओपन है और ऐसा मालूम पड़ता है जब कभी भी कोई यहां पर आता होगा तो ये उस समय का बैठक रूम रहा होगा और चारों तरफ से हवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं और इसी के साथ में एक कक्ष लास्ट में भी इधर दिखाई दे रहा है। नीचे हमें टूट फूट दिखाई देगी, सामने की तरफ भी टूट फूट है, पतली ईंटों का ये हिस्सा, ये इसके थोड़े बाहर का व्यू, इसका नज़ारा। और यहाँ से सिर्फ इतना मालूम पड़ता है कि जिस समय वो नवाब लोग यहाँ पर रहे होंगे तब यहाँ की रौनक एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करती होगी। ऐसा बताते हैं कि दुजाना का ये वाला जो स्थान है वो दुर्जन शाह फकीर के नाम पे रखा गया था। और इतिहास की जो बाकी बातें हैं वो मैं आप लोगों को इसके बाकी कक्ष में ले जाऊंगा, वहां आपके समक्ष में पेश करूंगा। अभी हम यहां पर नवाबों के और रानी के मुख्य कक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये जो पूरा कमरा बना हुआ है, यहां पर हम लोग इन झाड़ियों को देख पा रहे हैं सबसे पहले और ऊपर का नजारा देखिए आप। इसकी जो छत है वो अपना अस्तित्व तकरीबन 100% ही खो चुकी है
और किसी भी पल इस छत का कोई भी अंश टूटकर नीचे गिर सकता है, जो हमारी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। लेकिन बात यहां पर बनती है इस पूरे के पूरे कमरे की। जब हम इस नजारे को यहां देखेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो रूम है, ये नवाबों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता खाना खाने के लिए। लेकिन इसके पीछे का आपको मैं कारण बताता हूं कि वो कारण क्या होगा। दोस्तों, इस लकड़ी के इस ऊपर वाले हिस्से में आप लोग ये व्हील देख रहे होंगे, ये जो तीन यहां लगे हुए हैं, किसी समय यहां पर एक रस्सी की मदद से एक पर्दा लटका हुआ होता था, और उस रस्सी को खींचने पर नीचे की तरफ ऐसे हवा उन बेगमों को, उन नवाबों को आती थी, और जब कभी भी यहां बैठकर वो खाना खाते थे या विश्राम करते थे, तो इसी कक्ष के अंदर वो लोग रहा करते थे। आज जो आप लोगों को यहां पर नीली और पीले रंग की दीवारें प्रस्तुत हो रही हैं, वो कुछ समय पहले यहां जब स्कूल खोला गया था तो उसके लिए कक्ष तैयार किए गए थे, जिसका कुछ हिस्सा आप यहां पे महसूस कर सकते हैं। लेकिन 1805 के समय में जब दुजाना एक रियासत बन गई थी, और यहां के जो पहले नवाब थे उनका नाम था अब्दुल सैयद खां, और उन्हीं के वंशावली के द्वारा इस स्थान को आगे बढ़ाया गया, और उसी वंशावली के एक नवाब ने, जिनकी दो बेगमें थी, उन बेगमों में आपस में लड़ाइयां ना हो इसीलिए दोनों बेगमों के लिए अलग अलग महल बनवाए। एक महल ये वाला है, एक इसका बाहर की तरफ है, जिसकी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उस बाग वाली कोठी की वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों आप लोग। अभी हम इसके ऊपर वाले हिस्से में चलेंगे और वहां जाकर बाकी चीजों को देखने वाले हैं। बाहरी हिस्से से हम लोग इस पूरे महल के कुछ और भाग को देख पा रहे हैं, लेकिन उन भाग को देखने के लिए हमें इस प्रकार की झाड़ियों से टाप कर कूद कर आगे की तरफ जाना पड़ रहा है। यहां पर सामने की तरफ एक जमीन के अंदर आधा दबा हुआ, टूटा हुआ हमें एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जहां पर चौड़ी और वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली ईंटें दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ साफ ये मालूम पड़ता है कि इस वाले हिस्से को बाद में रिपेयर करवाया गया होगा जब यहां पर किसी भी प्रकार का कार्य शुरू किया गया होगा। अंदर का हिस्सा देखते हैं इसका आज। थोड़ा आराम से आना। अंदर आने के बाद में हम लोगों को ये वाला जो रूम है वो एक टनल आकृति का दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से इसकी शेप बनाई गई है, और आज इसकी हालत कुछ ऐसी है कि इन दीवारों पर सफेद रंग की फफूंद भी जम चुकी है, जिससे कि इसकी दिन प्रतिदिन खराब होती उस हालत को हम देख पा रहे हैं। बाकी देखते हैं बाहर हमें और क्या क्या दिखाई देने वाला है। इस बेगम की कोठी के अंदर हमें हर स्थान पर टूट फूट नजर आ रही है, और हर एक कदम हम लोगों को बड़े ही संभल के रखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर जाने का हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ऊपर जाने का हिस्सा। किसी समय पूरा एक प्रॉपर वे रहा होगा, लेकिन आज इसकी जो हाइट है सिर्फ 4 फुट के आसपास बची है। नीचे टूट फूट है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ जो लकड़ी है वो आज ये वाली तो बिल्कुल बरकरार है, और ईंटों का जो बोझ है उसकी वजह से ये वाली लकड़ी बिल्कुल मुड़ चुकी है। इसका जो हिस्सा है आप देख रहे हैं कैसे दब चुका है नीचे की तरफ। अंदर हम अपने कुछ कदम रखते हैं। सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, इन पतली ईंटों के बीच में ही हमें एक ऐसा हिस्सा रोशनदान दिखाई दे रहा है। ऊपर आते ही हम लोगों को इसका ये टूटा हुआ कक्ष दिखाई दिया, जिसकी छत बिल्कुल खत्म हो गई है, और इसी कक्ष के अंदर यहां पर हम लोग आ चुके हैं। 1925 के समय में यहां के सातवें और अंतिम नवाब इख्तियार अली खां, जिनका दूसरा नाम इतिदार अली खां भी बताया जाता है, जिनकी दो बेगमें थी, और एक बेगम के लिए उन्होंने ये वाला महल इसलिए बनवाया था
ताकि दोनों बेगमों के बीच में किसी भी प्रकार का मन मुटाव ना हो। जब नवाब का मन अपनी दूसरी बेगम से मिलने का करता था तो वो इस स्थान पर आ जाया करते थे, और इस स्थान पर आने के बाद में वो अपना कीमती समय बेगम के साथ में निकाला करते थे। लेकिन वो बेगम का महल जो बहुत शानदार हुआ करता था, आज इसका जो हिस्सा है आप लोगों के समक्ष टूट फूट से भर चुका है। इसकी ऊपर की छत, न जाने ऐसा कौन सा पल जब इसकी छत का हर भाग नीचे गिरने की ओर मजबूर हो जाए। अंदर के इस मेन कक्ष में लेकर आते हैं हम। इसी कक्ष में दीवार में बनी हुई है अलमारी, एक अलमीरा, सामने इसके वो पुराने दरवाजे, पुराने गेट। इधर का गेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। सामने की तरफ जो बोर्ड दिख रहा है आपको, जब स्कूल बना था तब का है ये। ऊपर इसके मजबूत गाटर दिखेगा आपको, लकड़ी का कुछ भाग दिखेगा जो आज तकरीबन खंडित हो चुके हैं। और ये वाला हिस्सा देखिए, इतनी मोटी दीवार होने के बावजूद भी ये वाला हिस्सा टूट चुका है, और न जाने कुछ ही वर्षों के बाद में इसका अस्तित्व बचे या ना बचे। लेकिन आज इसका जो पूरे का पूरा अंश है वो हमें उन यादों के साथ में जोड़ रहा है जो उन नवाबों के द्वारा यहां पर बनाई गई थी। अभी मैं आप लोगों को इसके बाकी कक्ष दिखाऊंगा, जिसमें से ये एक और रूम है। यहां पर थोड़ा आराम से आइएगा। देखिए, मुझे हर पॉइंट पे डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं नीचे मैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से इधर जाता हूं मैं। एक बार बड़ी ही मुश्किलात के बाद में मैं इधर आ पाया हूं। और ये पूरी की पूरी जो छत है इसकी, ये टूट चुकी है। आप बस इन छत से ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग इस मटेरियल को इस्तेमाल करते थे। इनमें प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी के ब्लॉक्स, ऊपर चूना पत्थर, हर एक चीज यहां पर बनी है। और हर कमरे के अंदर एक चिमनी का स्पेस बनाते थे वो लोग कॉर्नर में, यहां पर भी चिमनी बनाई गई है। यदि हम बात करते हैं यहां पर उस नवाब की, तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 के समय में, तब उन्हें मजबूरन यहां से पाकिस्तान के लाहौर में शिफ्ट होना पड़ा, जिसके बाद में उनकी जितनी भी संपत्ति यहां पर बची थी वो सारी की सारी यहां पर सरकार के द्वारा और कुछ निजी हाथों में सौंप दी गई थी। इसीलिए जो आज इसका जो ये हिस्सा है वो आपके समक्ष ऐसा पेश हो रहा है। अब हम एक ऐसे कक्ष में आ चुके हैं जो नवाबों के और उन बेगमों के लिए एक प्रमुख कक्ष हुआ करता था। वो आप इस डिजाइन से ही मालूम कर सकते हैं जैसी इसकी पेशकशी आज बनी हुई है। लेकिन दुख की बात ये है कि इसकी जो छत है वहां से आपको आसमान सीधे तौर पर दिखाई देगा, बस कुछ इसका जो अंश है वो बचा हुआ है ऊपर की तरफ, बाकी सारे का सारा हिस्सा टूट चुका है। लेकिन इस पूरे महल के अंदर उन बेगमों का, नवाबों का जो रंग महल था, जहां पर नवाब अपना पर्सनल समय बेगमों के साथ बिताया करते थे, वो ये वाला कक्ष है। पहले इस कक्ष का पूरा हाल देख लीजिए। नीचे का हिस्सा बिल्कुल खत्म है। दीवारों के ऊपर एक अलग ही डिजाइन, एक अलग ही नजारा, चित्रकारिता, कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इस पूरे के पूरे कोठी को देखने के बाद में हमें इतना अफसोस हो रहा है इनकी उस टूट फूट को देखकर, इसके खंडर होते भाग को देखकर। लेकिन क्या करें, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए और मजेदार वीडियोस देखने के लिए आप ज्ञानवीक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने एरिया की लोकेशंस बता सकते हैं। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।